नमस्ते। ऐसा क्या है जो क्रिकेट में है और कोई भी एथलेटिक गेम्स फुटबॉल हॉकी में नहीं है इन इंडिया? वो है मीडिया अटेंशन, पैसा, फेम, एसेट्रा एसेट्रा एसेट्रा। इस क्रिकेट ओवररेटेड और इट्स बीइंग ट्रीटेड एज द ओनली स्पोर्ट और इट्स बीइंग ट्रीटेड एज अदर स्पोर्ट्स आर बीइंग ट्रीटेड। लेट्स सी टू इट। हर स्पोर्ट की अपनी एक खासियत है, हर स्पोर्ट की अपनी एक मेहनत है, पर फिर क्यों सिर्फ क्रिकेट को इतनी ज्यादा प्रायोरिटी दी गई है और क्यों दी जाती है मैच फिक्सिंग आउट होने के बावजूद? जबकि ऐसा फैक्ट्स बताते हैं हॉकी फुटबॉल में ज्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ और मेंटली स्ट्रोंग होने की ज्यादा जरूरत पड़ती है क्रिकेट से। हमारे इंडिया में क्रिकेट को बहुत प्रायोरिटी दी जाती है, इतनी वर्ल्ड में भी नहीं दी जाती। ऐसा तो नहीं है कि बाकी के स्पोर्ट्स मेहनत नहीं कर रहे या ऐसा तो नहीं है कि गोल्ड मेडल्स नहीं ला रहे, बट स्टिल दे आर नॉट बीइंग रिकॉग्नाइज्ड, दे आर नॉट बीइंग फेम्ड, दे आर नॉट बीइंग अप इन द मीडिया। ना ही मैं क्रिकेट के पक्ष में हूँ, ना ही मैं हॉकी के पक्ष में हूँ, ना ही मैं कोई भी ऐसे स्पोर्ट्स के पक्ष में हूँ। मेरे अपने कुछ फेवरेट स्पोर्ट्स है, मेरे अपने कुछ फेवरेट प्लेयर्स है, बट आई एम जस्ट ब्रिंगिंग यू सम प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स जिनको सामने आना जरूरी है। जैसे कि आपने टाइटल से समझ लिया होगा, मैं यहाँ पे सिर्फ हॉकी और क्रिकेट के बीच बात करने वाली हूँ कि हॉकी इतना क्यों नेग्लेक्टेड है, क्योंकि हॉकी का डाउनफॉल क्रिकेट के लिए एक राइजिंग पॉइंट बन गया। ये मैं आगे आपको बताती हूँ। 1975 में इंडियन हॉकी ने वर्ल्ड कप जीता था जो कि मलेशिया में हुआ था, पर ये सब तब हुआ था जब टेलीविजन नहीं आया था, तो जितने भी कमेंट्रीज होते थे वो हम लोग सिर्फ रेडियो पर सुनते थे। उसी वक्त क्रिकेट ने 1983 में वर्ल्ड कप जीता था अंडर कपिल देव, और ये बहुत बड़ी विन थी फॉर इंडिया इन द फील्ड ऑफ क्रिकेट। उस टाइम तक क्रिकेट जस्ट अ काइंड ऑफ अ स्पोर्ट माना जाता था, बट उस वर्ल्ड कप जीतने के बाद और टेलीविजन पर इतना कास्ट करने के बाद वो चीजें लोगों के दिमाग में छप गई कि क्रिकेट में फेम है, क्रिकेट में करियर है, और मीडिया ये दिखाना भूल गए कि कितना हॉकी में हम लोग गोल्ड मेडल्स लाए थे, कितना हम लोग ने हॉकी से ही अपने इंडिया का नाम बनाया था। ये मीडिया अटेंशन देना भूल गई। जिस तरह से हमारे माइंड में क्रिकेट बैठा हुआ है, उस तरह से हॉकी को नहीं बैठाया गया, और अभी तक कोई भी मैच होने से पहले दो दो दिन पहले से ही डिबेट करने लगती है कितने रन बनेंगे, अगर अगर धोनी इतने रन पे आउट हो गए तो क्या होगा, इतने रन बना लिए तो क्या होगा, टीम में किस किस को रखा गया है। These are the discussions which are over the match, और जब मैच हो जाता है फिर शेर की हुंकार, शेर की दहाड़, these all the kind of a headlines we listen to the discussions in the newspapers, front page पर, back page पर cricket 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 ही दिखता है। These are the major roles जिस वजह से क्रिकेट इतना ज्यादा ऊपर है। इस वजह से बाकी के जितने स्पोर्ट्स हैं उनको ऑब्वियस सी बात है नेग्लिजेंस तो मिल ही रही है। आप खुद ही देख लीजिए, आईसीसी क्रिकेट 2017 में जो चैंपियनशिप ट्रॉफी हुई थी, जो इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ हारा था, उस चीज को लेकर कितनी ज्यादा डिबेट हुई थी, और उसी दिन इंडियन हॉकी टीम पाकिस्तान से 7-1 के स्कोर से जीत हासिल की थी, पर उस चीज का डिस्कशन कहीं नहीं था। उस हार का डिस्कशन, जैसे कि आप देख सकते हैं इमेजेस में, उस हार का डिस्कशन, डिबेट्स एंड ऑल बहुत ज्यादा हुई थी, पर उस जीत का डिस्कशन किसी ने नहीं किया, चाहे वो एक दिन हो, चाहे वो दो दिन हो, चाहे वो तीन दिन हो, चाहे वो सिर्फ एक आवर ही क्यों ना हो। जबकि ये विनिंग पोजीशन का डिस्कशन था, ऐसा नहीं था कि बस गिरते पिरते जीत गए, 7-1 बहुत ही अच्छे खासे स्कोर से जीते थे। इस चीज का डिस्कशन तो एक एक दो दो दिन होना चाहिए था, लोगों के दिमाग में डालना चाहिए था कि हॉकी इज राइजिंग और हॉकी अपनी जगह बना रहा है स्पोर्ट्स में। पर नो, आई हैव अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर धोनी सर, बट आपने रेड बस का एक एड देखा होगा जिसमें सर बलबीर सिंह, जो हमारे फॉर्मर हॉकी प्लेयर रहे थे, उनको रिप्रेजेंट किया गया है। हमारे मेंस हॉकी टीम से इस कंपनी को ऐसा कोई प्लेयर नहीं मिला जो सर बलबीर सिंह को रिप्रेजेंट कर सके। आप एक हॉकी प्लेयर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पर आप एक क्रिकेटर को ले रहे हैं उस हॉकी प्लेयर को रिप्रेजेंट करवाने के लिए।
आकाश इंस्टीट्यूट ने युवराज सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है विद द राइटिंग सक्सेस इज वेटिंग। आप अभिनव बिंद्रा, सुनील छेत्री, द कैप्टन ऑफ फुटबॉल, इन्होंने खुद अपना एक सक्सेसफुल एम्पायर बनाया है। इनको खुद पता है हाउ वी वेट फॉर सक्सेस एंड हाउ वी अचीव द सक्सेस। आकाश इंस्टीट्यूट कैन नॉट सिलेक्ट दीज प्लेयर्स एज देयर ब्रांड एम्बेसडर। आईपीएल के साथ साथ हॉकी प्रीमियर लीग भी चल रही है। हॉकी प्रीमियर लीग जनवरी में शुरू हुई थी बट COVID-19 की वजह से इसे पोस्टपोन कर दिया गया। वापस रिज्यूम करने के बाद 23 सितंबर को पहला मैच खेला गया था। इस चीज का कहीं पे भी मीडिया में जिक्र नहीं है कि HPL चल रहा है, इंडिया का कब मैच होने वाला है, इंडिया की टीम क्या है। जो प्लेयर्स इस हॉकी लीग में खेल रहे हैं उनकी लिस्ट भी जारी कर दी गई थी जो कि मीडिया ने एक भी बार नहीं दिखाई। जैसे ये लिस्ट दिखाते हैं, मैंने जब सर्च किया सजेशन एप्स फॉर क्रिकेट तो मुझे इतनी सारी वीडियोस दिख गई, और जब मैंने सर्च किया सजेशन एप्स फॉर हॉकी ऐसी मुझे कोई भी वीडियो नहीं दिखी जिसमें हॉकी के एप्स को डिस्क्राइब किया गया हो। आई हैव रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड टू द यूट्यूबर्स, अगर कोई भी स्पोर्ट का ऐप बना है उस हर स्पोर्ट के ऐप को डिस्क्राइब करें। वर्ल्ड हॉकी लीग का ऐप जो आप पिक्चर में देख सकते हैं उसे आप इंस्टॉल कीजिए और इस लीग को प्रिसाइसली फॉलो कीजिए, सपोर्ट कीजिए हर एक स्पोर्ट को। अभी हॉकी ने काफी इम्प्रूव किया है फ्रॉम 2016 जब वुमेन्स हॉकी टीम ने वर्ल्ड चैंपियनशिप सीरीज जीती थी और अभी 4th रैंक करती है इन द वर्ल्ड रैंकिंग्स ऑफ हॉकी। ये चीज बहुत बड़ी बात है और इसको बड़ा बड़ा छापना चाहिए न्यूज़पेपर में, बड़ा बड़ा टीवी में दिखाना चाहिए हेडलाइंस के साथ, बट नहीं दिखाते हैं। एक्चुअल में क्या हुआ, जब 1980s तक इंडियन हॉकी का गोल्डन एरा चल रहा था, मतलब कि इंडियन हॉकी एक के बाद एक मेडल्स पे मेडल्स लाती जाती हर एक ओलंपिक्स में। ऐसा कोई ओलंपिक्स नहीं था जिसमें हमारी इंडियन हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल न लाया हो। कंसेक्यूटिव 7 बार इंडियन हॉकी टीम गोल्ड मेडल्स जीती है हर ओलंपिक्स में। तो उस टाइम रेडियो का जमाना था तो हम लोग सिर्फ उस खेल को सुनते थे फ्रॉम द कमेंट्री बॉक्स कि खेल कैसा चल रहा है, कितने गोल हुए, कितने गोल किए गए, कौन कैसा खेल रहा है, वो सिर्फ हमें सुनाई देता था फ्रॉम रेडियो। हमारी इंडियन हॉकी राजा थी पूरे वर्ल्ड में। दूसरे देशों की टीम्स हमारे इंडियन कोचेस को हायर करती थी फॉर कोचिंग। इस काइंड ऑफ एरा था हमारे इंडियन हॉकी का। बट और ये टीम सर बलबीर सिंह के अंडर खेली थी और इंडिया का पहला गोल्ड इंडिपेंडेंस के बाद हमारे देश में आया था 1975 के वर्ल्ड कप जीतने के बाद। 1976 से एस्ट्रोटर्फ को इंट्रोड्यूस किया गया। ये एस्ट्रोटर्फ क्या है, ये एक ऐसी ग्राउंड है जिसको आर्टिफिशियल ग्रास से बनाया जाता है। इस चीज को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, क्योंकि प्लेयर्स इंजरी से काफी बचेंगे। बट जो ग्रास ग्राउंड पे इंडियन प्लेयर्स की जो पकड़ थी, बॉल को ट्रैप करना, ड्रिबल करना और फिर पास करना, एस्ट्रोटर्फ आने के बाद स्किल्स नहीं पावर की ज्यादा जरूरत थी। इस पर बॉल बहुत तेज भागती है तो इस पे रनिंग फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा चाहिए जो यूरोपियन और ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स में बहुत ज्यादा थी। तो उस रेन में ऑस्ट्रेलियन और यूरोपियन प्लेयर्स ने खूब मेडल्स जीते, खूब वर्ल्ड कप्स जीते। तो और इंडिया इस चीज को जल्दी कोप अप नहीं कर पाया, या उस टाइम पर काफी ब्लेम गेम चलता रहा सिर्फ ये एस्ट्रोटर्फ की वजह से और इस चीज पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। जैसे कि आप देख सकते हैं दे वर गोइंग इनटू सम पोजीशंस इन द ओलंपिक्स बट कैन नॉट विन एनी मेडल। इस वजह से क्रिकेट काफी राइज होता गया। इस एक एस्ट्रोटर्फ ग्राउंड को बनाने के लिए करीब 8 करोड़ की लागत आती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पहले तो फंड्स रेज नहीं करती थी फॉर द हॉकी बिकॉज वो एक्सपेंसिव गेम बन गया था बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोटर्फ, पर अभी भी उतना नहीं करती है, फैसिलिटीज उतनी नहीं है, पर फिर भी पहले से बेटर है। हॉकी स्टेडियम तो बहुत है बट एस्ट्रोटर्फ ग्राउंड्स वाले नहीं है। पंजाब इज नोन एज प्रोड्यूसिंग हॉकी ग्रेट्स, मतलब पंजाब से बहुत हॉकी प्लेयर्स निकलते हैं। अगर आप टीम प्लेयर्स की लिस्ट देखेंगे उसमें ढेर सारे आपको पंजाबी दिखेंगे। देयर आर 4 हॉकी अकेडमीज इन लुधियाना पंजाब विद एस्ट्रोटर्फ ग्राउंड्स। ऐसा सर सरदार सिंह जो हमारे हॉकी प्लेयर है उनका कहना है कि बच्चे जब हॉकी एज अ स्पोर्ट ऑप्ट करते हैं वो ग्रास ग्राउंड्स पे पहले खेलते हैं और फिर जब दी जाती है एट द एज ऑफ 19 और 20 वो एस्ट्रोटर्फ को जल्दी अडेप्ट नहीं कर पाते। अगर कोई बिगनिंग लेवल से ही एस्ट्रोटर्फ ग्राउंड पे खेलता है तो इट रियली बेनिफिट्स द प्लेयर एंड द हॉकी टीम।
बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे, सुनते आ रहे कि हॉकी इज द नेशनल गेम ऑफ इंडिया, बट अभी यूनियन मिनिस्टर ने कहा है कि हमारे देश का कोई नेशनल स्पोर्ट नहीं है। हम लोग सोच रहे हैं कि क्रिकेट को एज अ नेशनल स्पोर्ट हम लोग बनाते। आपको अगर पता नहीं होगा तो सुनील शेट्टी इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ आर हॉकी इंडिया। मनप्रीत सिंह जो अभी मेंस हॉकी टीम के कैप्टन है, कि वो ऑडियंस से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप आइए मैचेस देखिए और सपोर्ट कीजिए हमारी हॉकी टीम को। ऐसा क्यों है कि कभी किसी क्रिकेट प्लेयर ने आके आपसे रिक्वेस्ट किया हो कि आप आइए और हमारे मैचेस देखिए, एज अ ऑडियंस बनिए और हमें सपोर्ट कीजिए? ऐसा तो कभी नहीं। पर यहाँ गलती पब्लिक की भी है। जहां क्रेज वहां स्पॉन्सर, जहां टिकट्स बिकी नहीं वहां भीड़। आप खुद ही देख लीजिए, जब आप किसी से पंजा लड़ाते हैं ऐसे ही खेल खेल में और आपके पीछे आपके दो तीन दोस्त आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो आपके अंदर एक मोटिवेशन आता है। दिस काइंड ऑफ मोटिवेशन इज नीडेड इन एवरी स्पोर्ट। तो यही मैं आपको बताना चाहती हूँ। FIH है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। आप खुद देखिए, FIH के प्रेसिडेंट एक इंडियन प्रेसिडेंट है, डॉक्टर बात्रा, जिनको आप फोटो में देख रहे हैं। इन्होंने खुद कहा है कि हॉकी इज इमर्जिंग एज अ वेरी ग्रेट स्पोर्ट इन इंडिया एंड गिव अ वेरी गुड परफॉर्मेंस इन द कमिंग इयर्स। मनप्रीत सिंह जो हॉकी इंडिया के कैप्टन है, उनको FIH प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 दिया गया था। ओडिशा गवर्नमेंट हमारी इंडियन हॉकी टीम को स्पॉन्सर कर रही है फ्रॉम 2018 फॉर द नेक्स्ट 5 इयर्स। 2016 से हॉकी की स्थिति बहुत बदली है। वुमेन हॉकी टीम भी कम पीछे नहीं है। 2016 में 36 साल के बाद ओलंपिक्स में एंट्री हुई। 2017 में दे वन गोल्ड मेडल इन वुमेन्स एशिया कप 2017। FIH वुमेन्स सीरीज के फाइनलिस्ट रहे 2019 में। अभी जो 2020 में टोक्यो ओलंपिक्स होने वाला था, जो कि COVID-19 की वजह से पोस्टपोन हो गया है, उस टोक्यो ओलंपिक्स में मेंस हॉकी टीम और वुमेन्स हॉकी टीम दोनों क्वालिफाई हो चुकी हैं। वुमेन हॉकी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हरा कर टोक्यो ओलंपिक्स में अपनी जगह बनाई है। राजकुमार पाल जो कि हॉकी टीम के न्यू कमर है, इन्होंने अपनी जगह बनाई है इस बार इंडियन हॉकी टीम में। ही हैज सम ग्रेट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स एंड टैलेंट विच विल बी गिवन अपॉर्चुनिटी टू एक्सेल व्हेन इंडिया विल प्ले अगेंस्ट वर्ल्ड नंबर 1 टीम बेल्जियम। फॉर्मर फॉरेन कोच जो थे रोलन कोचमैन, इनके अंडर में हॉकी टीम ने काफी बेनिफिट्स हासिल किए हैं। इन्होंने इंडियन टीम को काफी स्किल्स, काफी टेक्नोलॉजीज और नए स्टाइल्स बताए हैं खेलने के ऑन एस्ट्रोटर्फ ग्राउंड्स। जैसे क्रिकेट में कपिल देव, वैसे ही हॉकी में ध्यानचंद। जैसे क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर, वैसे ही हॉकी में धनराज पिल्ले। जैसे क्रिकेट में द्रविड़, वैसे ही हॉकी में संदीप सिंह। जैसे क्रिकेट में विराट कोहली, वैसे ही हॉकी में मनप्रीत सिंह। जितने भी नाम लिए और जितने भी प्लेयर्स हैं दोनों स्पोर्ट्स में, सबकी एक जैसी मेहनत है। तब क्यों क्राउड का क्रेज सिर्फ एक स्पोर्ट्स के पीछे है? द अमाउंट ऑफ एक्सपोजर एंड स्पॉन्सर्स क्रिकेट को मिलता है शैडोड अदर स्पोर्ट्स। अगर हॉकी को भी सेम इम्पोर्टेंस दी गई होती तो जो यंगस्टर्स जो स्पोर्ट्स ऑप्ट कर रहे हैं, हम लोग दोनों देख पाते, कोई क्रिकेट कहता तो कोई हॉकी। एक्चुअल में बात यह है ना कि क्रिकेट को इतनी ज्यादा तवज्जो दी गई है कि जितने और भी खिलाड़ी जो गोल्ड मेडल्स ला चुके हैं देश के लिए, उनमें से कुछ ऐसे हैं कि हमें जिनका नाम भी नहीं पता है। क्रिकेट पे हर प्लेयर का नाम लोगों को पता है क्योंकि उन नामों को बार 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 मीडिया अटेंशन दे रहकर हाईलाइट करती रहती है। आप बताइए, अभी जो हॉकी प्रीमियर लीग चल रही है उसमें भी 24 मेंबर्स का एक स्क्वाड बना है, मींस 24 मेंबर्स की प्लेयर लिस्ट बनी है जो इंडियन टीम में है। उनमें से कितने लोगों का नाम आपको पता है जो हमारे इंडिया टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस लीग में? किसी का भी नहीं। हाँ, कैप्टन का नाम शायद आपको इस वीडियो के बाद पता चल गया होगा। आई थिंक सो। हॉकी इज वन ऑफ द इंडियाज ग्लोरियस स्पोर्ट एंड इट्स हाई टाइम दैट द नेशन रियलाइजेस इट एंड एक्सटेंड्स इट्स ह्यूज सपोर्ट टुवर्ड्स द हीरोज ऑफ हॉकी एंड स्पोर्ट्स इटसेल्फ। लेट्स रेज अवर वॉइसेस एंड सपोर्ट अवर मेंस एंड वुमेन्स हॉकी टीम। टेनिस भी एक ऐसा गेम है जिसको तीन ग्राउंड्स पे खेला जाता है, क्ले, ग्रास एज वेल एज हार्ड कोर्ट्स, और इस चीज को हॉकी में भी अडाप्ट कर सकते हैं। हॉकी में भी दो ऑप्शंस रख सकते हैं, एस्ट्रोटर्फ एंड ग्रास। और इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में ऐसा रहे कि वी हैव बोथ चॉइसेस, और ग्रास जो है दैट इज द नेचुरल सर्फेस एंड इट टेस्ट स्किल्स, वो स्किल्स देखती है ना कि स्ट्रेंथ। देयर आर
मेनी प्लेयर्स जो धूप में अपने आप को सेक सेक इंडिया के लिए खेलते हैं, मेडल लाते हैं, बट दे डोंट गेट रिकॉग्निशन। उन प्लेयर्स को भी रिकॉग्निशन मिले, फेम मिले, मनी मिले। मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। क्रिकेट थोड़ा ज्यादा ओवररेटेड है, जितना नहीं होना चाहिए। कभी आपने देखा है कि हॉकी के प्रैक्टिस सेशंस कहीं दिखाए जा रहे हो? कभी आपने देखा है कि फुटबॉल के प्रैक्टिस सेशंस दिखाए जा रहे हो? नहीं। अगर आप खुद एक हॉकी प्लेयर है और आप आधा भरा हुआ स्टेडियम देख रहे हैं, तो आपको कैसा लगेगा कि यार कोई सपोर्ट करने नहीं आता? और जहां आप देखेंगे कि पूरी ग्राउंड भरी हुई है और आपको सपोर्ट कर रही है, तो आपके अंदर एक वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि गोल लेना ही लेना है, कैसे नहीं लेंगे। दिस काइंड ऑफ सपोर्ट इज टू बी ब्रॉट अप बाय द नेशन। अगर हॉकी में इतने फेलियर्स नहीं होते तो क्रिकेट भी इतना राइज नहीं करता। क्या पता क्रिकेट और हॉकी साइमल्टेनियस पोजीशंस पे चल रहे होते, दोनों स्पोर्ट्स के लिए क्रेज होता, स्पॉन्सर्स होते, स्पेक्टेटर्स होते। या ऐसा भी हो सकता है कि क्रिकेट हॉकी की जगह होता और हॉकी क्रिकेट की जगह होता। मैंने कुछ रिसर्च की है, कुछ प्रैक्टिकल चीजें पढ़ी हैं, जिस बेसिस पे मैंने इस वीडियो को बनाया है। और मैं कोई भी स्पोर्ट की तरफ बायस नहीं हूँ। आई हैव इंफॉर्मेशन अबाउट द क्रिकेट एज वेल एज हॉकी एज वेल एज फुटबॉल एज वेल एज बैडमिंटन। तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ क्रिकेट के लिए बोल रही हूँ। तो अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगा तो डू लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू एंड नमस्ते।